कांग्रेस कार्य समिति की सोमवार को हुई बैठक में सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की। राहुल गांधी ने दोबारा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने से साफ इनकार कर दिया। इस बैठक के बाद इस नतीजे पर तमाम नेता पहुंचे कि आगामी 6 महीने तक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष का कार्यभार संभालती रहेंगी और 6 महीने बाद एक चुनाव किया जाएगा। चुनाव के बाद नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। पार्टी के नेता परिवारवाद से मुक्ति नहीं चाहते, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी का मतलब ही परिवारवाद और वंशवाद हो गया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक सोमवार सुबह 11:20 पर शुरू हुई। इससे पहले पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर अलग ही तरह के नजारे देखने को मिले। दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ता व रॉबर्ट वाड्रा का स्वघोषित चेला जगदीश शर्मा हेडक्वार्टर के बाहर कई लोगों के साथ गांधी परिवार के ही किसी सदस्य को पार्टी अध्यक्ष बनाने की नारेबाजी करता दिखाई दिया। जगदीश शर्मा का कहना है, हमें केवल गांधी परिवार का ही अध्यक्ष चाहिए। अगर कोई बाहरी अध्यक्ष बना तो पार्टी नष्ट हो जाएगी, पार्टी टूट जाएगी। वहीं हम आपको बताते हैं इस पूरे मुद्दे पर रॉबर्ट वाड्रा का क्या कहना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा बिखरती हुई पार्टी को लेकर कहते हैं कि ये वक्त पार्टी के बिखरने का नहीं बल्कि एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का है। रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं, भविष्य के अध्यक्ष के बारे में पार्टी का सामूहिक फैसला होगा। अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का बनाना है या गांधी परिवार के ही किसी शख्स को कमान सौंपनी है, इस पर पार्टी सामूहिक रूप से फैसला लेगी। आपको बता दें, रॉबर्ट वाड्रा अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब उनका ये कहना है कि गांधी परिवार का ही कोई शख्स कांग्रेस अध्यक्ष बने और इस बारे में पार्टी सीधे तौर पर सामूहिक रूप से फैसला ले। आपको बता दें, रॉबर्ट वाड्रा अक्सर देश के माहौल को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर निशाना उठाते हैं। बीते दिनों महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई और कहा, ये प्रियंका मेरी बेटी और मेरे बेटे यानी मेरे या गांधी परिवार की सुरक्षा के बारे में नहीं है। ये हमारे नागरिकों विशेष रूप से हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षित रखने और सुरक्षित महसूस कराने के बारे में है। अक्सर रॉबर्ट वाड्रा महिलाओं के प्रति हो रहे दुष्कर्म को लेकर, अपराधों को लेकर भी सवाल उठाते हैं, केंद्र सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। लेकिन अभी कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जो खींचतान जारी है उसमें रॉबर्ट वाड्रा कूद पड़े हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।